मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक व्हील्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मॉडिफिकेशन और एसेसरीज वगैरह कुछ क्रेटा कार में लग रही है, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज अभी मैं आया हुआ हूँ क्रिस्टल कार केयर में, जो कि है करोल बाग में, और यहाँ पर क्रेटा आई हुई है। फेसलिफ्ट बेस मॉडल है, उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, तो ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन से फ़ीचर्स उसमें ऐड कर रहे हैं और क्या क्या उसमें एसेसरीज वगैरह लग रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, और आप देखना कि इसमें इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्राइस के साथ बताऊंगा कि इस कार में क्या क्या खर्चा आया और मतलब उन्होंने क्या क्या कराया, क्या प्राइस के रेंज में ये सब काम हो चुका है। तो ये आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रंट डोर है, ड्राइवर साइड का डोर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टीयरिंग, आप देख रहे हैं पूरी कार जो है खुली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब सब कुछ हटा हुआ है, उन्होंने सीट वगैरह सारी सीट हटा रखी है और पूरा डैशबोर्ड वगैरह सब इन्होंने हटा दिया है। तो ये सब इसमें लगा रहे हैं। आप सबसे पहले गेट पर देखते हैं, तो सबसे पहले नज़र पड़ती है डैम्पिंग की, तो ये डैम्पिंग लगा चुके हैं। ये SCP की कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। इसका प्राइस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसका क्या प्राइस है। आप जैसे कि देख सकते हैं पूरी लग चुकी है, और यही मैं आपको रेयर इसके पीछे के साइड के डोर की दिखाता हूँ। ये बेस मॉडल है क्रेटा का, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर भी लग चुकी है। ऐसे ही पीछे की साइड दूसरे साइड के डोर्स पे लग चुकी है। अब इसमें इसका सीट का और डैशबोर्ड का काम चल रहा है, तो वो सब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा क्या कर रहे हैं वो। तो दोस्तों, ये है ड्राइवर साइड की सीट, ये वाला कवर पहले से आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसमें अभी कवर चेंज होगा और पूरा इंटीरियर का इसमें काम हो रहा है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इसमें लेदर लगा रहे हैं, पूरे डैशबोर्ड पे सारे पार्ट्स इन्होंने खोल रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे पार्ट्स अलग अलग कर रखे हैं और कुछ एक पार्ट्स पे यहाँ पे लग चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेड लेदर लग रहा है। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसके बेस मॉडल है, तो इसमें ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। इसमें जो फॉग लैम्प्स है, ये इन्होंने चेंज कराए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइट लगी हुई है और यहाँ पे ये LEDs वाला चलेगा दोनों साइड पे। ये पहले से लग चुका है, मैं आपको दूसरी साइड पे इसका दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये लग चुका है। इसके साथ अब इन्होंने सारा काम एम्पलीफायर इसमें लगेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिक्की की साइड है वहाँ पर डैम्पिंग रह गई थी, तो ये अब यहाँ पर डैम्पिंग लगा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अंदर की साइड पर इन्होंने एक पीस कट किया और वहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। ये पूरा कवर होगा भैया। अरे ये हल्के होते हैं भैया, आवाज़ तो देता है ये। अरे आवाज़ तो देता है पर हाथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अंदर वाली साइड पे लग चुका है और अब ये बाहर की साइड पे लगा रहे हैं पीस कट करके। ये वाला एरिया ऐसे करके ये पूरा एरिया कवर करेंगे भैया। ये नेक्स्ट साइड पर लगा रहे हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली इन्होंने पूरा लगा रहे हैं। ये जो भी कोई तार वगैरह ये सब जा रही है, तो ढंग से ही फिक्स करेंगे इसको, ताकि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी जो इन्होंने कंप्लीट डिक्की वाली साइड की यहाँ पे डैम्पिंग कर दिया। आप देख सकते हैं एक एक होल इन्होंने ढंग से पूरा कवर कर दिया, ताकि कोई बहुत बढ़िया से हो जाए।
कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई भी वाइब्रेशन नहीं आएगी भैया बता रहे हैं। थोड़ा बहुत बताओ भैया इसका क्या फ़ायदा होता है? इसमें बेस ट्यूब पीछे लगती है ना तो कोई वाइब्रेट नहीं आती है। अच्छा चीज़ जैसे कि भर भर की, तो इसकी वजह से जो साउंड है वो और ज़्यादा गाड़ी में अच्छे से क्लियर आएगी। ठीक है भैया लगा दो भैया ये कवर। अब ये भैया कवर लगा रहे हैं इसका पीछे की साइड का। तो दोस्तों उन्होंने कर दिया था कवर पूरा फिट डैम्पिंग लगा के। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इन्होंने यहाँ पे देख, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैमरा इन्होंने पहले से लगा दिया था मेरे आने से पहले, मतलब कैमरा लगा दिया था। और ये कैमरा वो वाला है जो ओरिजिनल कैमरा होता है, जो जैसे टॉप मॉडल में जो लगा हुआ आता है वो कैमरा इन्होंने लगा दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब की ये कार है, तो स्पेशली पंजाब से यहाँ पर आई है करोल बाग में काम करवाने। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इसमें बेस मॉडल है तो ये रिफ्लेक्टर नॉर्मल लगे हुए, कोई लाइट वगैरह नहीं जलती है। तो इन भैया ने यहाँ पे ये इसका टेल लैम्प खोल दिया और यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कौन से वाले लगाएंगे, ये लैम्बोर्गिनी वाले लगाएंगे। इसका डिज़ाइन कुछ वैसे वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसमें लाइट्स हैं वो ब्लिंक करेंगी। और इसी के साथ इसमें जो स्पीकर कंपनी से फिटेड आते हैं वो सब चेंज होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्पीकर इन्होंने खोल के रखे हुए हैं जो गाड़ी में पहले से लगे हुए होते हैं, तो वो सब जो है अब ये भैया चेंज करवा रहे हैं जिनकी ये कार है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों इस कार में ये स्पीकर लग रहे हैं कापा के, जो कि बाय हारमन वगैरह हारमन के हैं, और ये काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं जैसा कि मेरे को भैया ने बताया। और ये इसका जो है सिस्टम लगेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्लॉट्स बने हुए हैं, ये गेट के अंदर लगेगा, टू वे थ्री वे लिखा हुआ है। और इसी के साथ ये काफ़ी अच्छे होते हैं भैया ने मेरे को बताया। इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये ट्विटर लगेगा, तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं ये। और जो स्पीकर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्पीकर आप देख सकते हैं कि ये स्पीकर इसमें लगेगा हर गेट पे, तो काफ़ी अच्छी नॉइस, काफ़ी अच्छा साउंड इससे आएगा। ये भैया ने बताया क्रॉस ओवर है। इसका क्या काम होता है भैया? ये क्रॉस ओवर है, मतलब इसमें ये बूफर का भी काम करेगा और ट्विटर का भी काम करेगा। बूफर और ट्विटर दोनों का काम करेगा, और ट्विटर का काम जो है आपने बताया ट्रैवल का, मतलब ये और ज़्यादा साउंड में और ज़्यादा क्लियरिटी ले आएगा। तो ये मैं आपको अभी लगते हुए दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये इस क्रेटा का पूरा काम हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेस मॉडल है और पूरा टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो गया है। सिवाय एक चीज़ के वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप पूरे एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉप बेस मॉडल में जो है ये ग्रिल जो है नॉर्मल सिल्वर कलर की आती है, जबकि इन्होंने ऊपर से पेस्टिंग करके इसको लगा बना दिया और ये पूरा टॉप मॉडल की तरह लुक आ गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे की साइड आप देखेंगे यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये पेस्टिंग की गई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सिल्वर कलर है, ऊपर ये क्रोम वाला पेस्ट हो गया। इसके साथ इन्होंने यहाँ पे नेम नंबर प्लेट जो है इसमें भी काफ़ी चेंज कराया है, ये पूरी नंबर प्लेट अलग लगाई है और ये विद कवर वाली ली है। साथ में अगर हम फॉग लैंप्स की बात करते हैं तो फॉग लैंप्स में आप देख सकते हैं जो टॉप मॉडल में आता है इन्होंने ये LEDs वाले लगा दिए, और इसमें ये बेस मॉडल था, यहाँ पर सिर्फ कवर लगा हुआ था, जगह बनी हुई थी पर यहाँ पर लाइट नहीं लगी हुई थी फॉग लैंप, तो इन्होंने फॉग लैंप लगवा लिया और इसमें HIDs लगवा दिए, मतलब अब ये वाइट कलर के आएंगे। और इन्होंने ऊपर की साइड भी HID लगा दिए, तो वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट में जब जलते तो बहुत बढ़िया एक लुक आती है। और साइड प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ मैं, आप यहाँ पे अगर साइड प्रोफाइल में देखें तो बस एक चीज़ जो इन्होंने छोड़ दिया वो अलॉय व्हील्स, क्योंकि भैया के पास टाइम नहीं था और पंजाब की गाड़ी है, इनको रात में ही ड्राइव करके पहुँचना तो इनको थोड़ा लेट हो जाता, तो ये कह रहे थे नेक्स्ट टाइम पर लगवाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोई क्रोम गार्निश वगैरह नहीं लगी हुई थी, पर भैया ने सारी क्रोम गार्निश लगवा दी। और इसी के साथ यहाँ पे ये कवर लगाया वो उसके ऊपर भी क्रोम लगा हुआ है, आप पूरी गाड़ी पे देख सकते हैं। साथ ही में इसमें रूफ रेल्स नहीं लगे होते, बेस मॉडल है तो वो रूफ रेल सिल्वर कलर के लगाए गए हैं और ये पेस्ट किए गए हैं, ये मेरे सामने हुए हैं तो मैंने ये देखा है कि ये पेस्ट किए गए हैं, तो इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई है।
इसी के साथ आप हैंडल बार्स के हैंडल बार्स पे देखते तो यहाँ पे भी ये क्रोम के पेस्ट हो गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वाइट कलर का पहले का दिख रहा है, और ये जो है ऊपर से पेस्टिंग की गई है तो ये काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ मैं इसका आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर में बहुत बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी ये कार पूरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, सिर्फ क्लीनिंग की रह गई है, बाकी सब कुछ गाड़ी में बहुत बढ़िया है। तो इसका अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही एंटर गेट खोलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टैन कलर का इन्होंने लगवा लिया है, ये पूरा इन्होंने पूरी गाड़ी में करवाया है सिवाय एक टॉप को छोड़ के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप यहाँ पे कॉर्नर्स पे देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पावर विंडोज़ पहले से आती है और यहाँ पे इन्होंने क्रोम का कुछ नहीं करवाया। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको पहले ही दिखाया था, इन्होंने कापा के बाय हार्मन के स्पीकर लगाए हैं, उसके साथ ये ट्विटर लगाया गया, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम लगाया गया और साउंड बहुत ज़बरदस्त हो गई है। इसी के साथ आप यहाँ पे एंटर होते हैं, एंटर होते ही आप देखते हैं कि यहाँ पे क्रेटा और ये ब्लू कलर की लाइटिंग जल रही है और ये सिल्वर ये क्रोम का बना हुआ है, तो ये इन्होंने एडिशनली लगवाया है, तो काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। एंटर होते ही ये ब्लू कलर की लाइट ऑन होती है। इसी के साथ अगर हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सीट्स है वो काफ़ी अच्छे टैन कलर की लगवाई गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें फिनिशिंग बिल्कुल बहुत बढ़िया फिनिशिंग आई हुई है हर तरफ से, आर्मरेस्ट पे भी पूरी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसी के साथ आप यहाँ पे इसके गियर नॉब पे देखते हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने टॉप मॉडल वाला इसमें चेंज कर दिया है। और अब चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ, आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि पूरा अच्छे से इन्होंने देखो कॉर्नर पे पूरा अच्छे से फिनिशिंग दी है और अच्छे से फिटिंग हो गई है। इसी के साथ बेस मॉडल में स्क्रीन भी नहीं आती तो इन्फोटेनमेंट स्क्रीन लगाई है, सोनी की लगाई है इन्होंने, तो ये भी काफ़ी अच्छा। और इसके साथ ये जो पहले का लगा हुआ था उसमें इसकी कोई प्लेसिंग नहीं थी, तो ये पूरा इन्होंने फिटिंग चेंज करी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट बढ़िया हुई है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये अलग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़े पास टाइमिंग की रह गई है, इसमें टाइमिंग सही करना है। इसके अलावा यहाँ पर बाकी सब कुछ बढ़िया से कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये USB पोर्ट वगैरह यहाँ पर कटिंग करके लगाया तो प्लेसिंग नहीं थी, तो ये सब इन्होंने लगा दिया। इसके साथ आप यहाँ पे देखिए जो अंदर की लाइट लगी हुई है, ये पहले येलो कलर की लाइट लगी हुई थी, इन्होंने लाइट जो है चेंज कर दी है वाइट कलर की, और इवन और बैक साइड पे भी इन्होंने वाइट कलर की लाइट लगा दी है। और अब मैं आपको इसके ड्राइवर साइड पे बताता हूँ, इसमें भी काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चेंज किया गया है। दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पर ड्राइवर साइड पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं सीट की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बहुत बढ़िया फिनिशिंग की है, पूरा अच्छे से भैया ने टाइम लगा के अच्छे से काम किया है इस पर, तो उनकी सर्विस मेरे को इस मामले में काफ़ी अच्छी लगी। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, इवन पूरा दिन मैं साथ में बैठा भैया के, पर इनका काम जो था वो काफ़ी अच्छा था। और इनका ये भी ऑप्शन था कि आप यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन लगवा सकते हैं, पर भैया ने कहा था कि ये इतना टाइम भी नहीं है और वो लगवाना नहीं चाहते, साथ में थोड़ा बजट भी कम था उनका तो इन्होंने थोड़ा छोड़ दिया। इसी के साथ आप यहाँ पर देखें स्टेयरिंग पर भी ये टैन कलर का इन्होंने लगवा लिया है और स्टिचिंग आप देखो पूरे अच्छे से परफेक्ट एक अच्छी फिनिशिंग आई हुई है, जैसा लगता है जैसे कंपनी से फिनिश है। इसके साथ आप जो एक नई चीज़ देखेंगे वो नई चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो है टॉप मॉडल में ये कंसोल दिए गए होते हैं, बटन दिए होते हैं, और बेस मॉडल में ये नहीं होते, सिर्फ ये और ये बटन होता है, तो ये भी इन्होंने पूरा चेंज किया, ये पार्ट पूरा चेंज हुआ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये अच्छे से इन्होंने इसके स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दिया है, आप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब अच्छे से ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक लो मॉडल में बैठे हैं, मतलब ये पूरा टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो गई है। और आप यहाँ पे देखें एक मेरे पूरे लुक देखें, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया एक अच्छी अच्छी कार में बैठे हैं, बिल्कुल अच्छे बढ़िया वाले मॉडल में बैठे हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये माइक की प्लेसिंग की गई है, माइक थोड़ा सा बढ़िया और बड़े वाला लगाया गया था, तो इसकी प्लेसिंग भैया ने सोची थी कि यहाँ पर करें, पर यहाँ पर बन नहीं पाई क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था, तो बाकी तो इन तो फिर इन्होंने यहाँ पे लगा दी ताकि वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना है, तो वॉइस एकदम क्लियर आ रही है और ये हम चेक कर चुके हैं। और इसी के साथ जो स्पीकर्स जो बैक साइड पे लगे हैं, यहाँ पे डैम्पिंग की गई थी सारे गेट्स पर, बहुत बढ़िया वाली डैम्पिंग की गई थी, और उसके जो यहाँ पे स्पीकर्स है वो इस साइड पे यहाँ पे फिक्स कर दिए गए थे, तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी थी। और इन्होंने काफ़ी अच्छा, भैया ने बहुत टाइम दिया है, मैंने देखा भैया ने बहुत अच्छे से काम किया है। तो इसके साथ अब मैं आपको मैटिंग दिखाता हूँ इसकी, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैटिंग है ये भी बहुत अच्छी है, सारा इंपोर्टेड लेदर वगैरह वाला लगाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली उन्होंने मैटिंग करी थी पूरी सारी सीट्स वगैरह हटा के, सब कुछ हटा के मैटिंग करी थी और उसके ऊपर ये मैट्स रख दिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैट्स काफ़ी अच्छे हैं और आगे पीछे सब जगह लगाए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इसमें इसके लुक को एनहांस कर रहा है। इसी के साथ अगर हम रेयर साइड पर एंटर होते तो यहाँ पर भी ये इन्होंने लाइट्स वाला लगाया हुआ है और क्रेटा लिखा हुआ है आगे और पीछे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैटिंग जो ऊपर से रखी है तो ये एकदम बढ़िया और क्लासी मैटिंग लग रही है, आप यहाँ पे देखें पैर की जगह पे भी यहाँ पे बहुत अच्छे से है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ,
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आर्मरेस्ट है ये भी टैन कलर का कर दिया है। और भैया ने पूछा था कि यहाँ पे अगर वो यूएसबी पोर्ट वगैरह लगाए तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कटिंग का वगैरह करके लगाते और थोड़ी प्रॉब्लम रहती, तो भैया ने मना कर दिया कि वो थोड़ा सही नहीं रहेगा। बाकी सब कुछ सही किया गया। और यहाँ पे भी इन्होंने ट्विटर लगाया पीछे की साइड पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट है और साउंड जो है बहुत बढ़िया आ रहा है। इसी के साथ पीछे भी आप देखें तो ये इस गेट पे भी बहुत अच्छे से ये लगाया गया है, और आप देख सकते हैं हर कॉर्नर पे एक बढ़िया फिनिश आई हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी ये पूरा पीछे तक ये टैन कलर का किया गया, और यहाँ पे ये जो रूफ वाला है ये इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि जिनकी कार है उन्होंने कहा कि मेरे को रूफ वाला नहीं कराना, उनकी प्रेफरेंस नहीं थी कि ये करवाना है। बाकी उन्होंने ये सारा सीट वगैरह सब इस पर कराया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भैया के पास एक ऑप्शन ये भी था कि ये सीट इनकी बेस मॉडल वाली थी, तो इसमें कप होल्डर वाला जो यहाँ पे लगा होता है वो खुल के जो आता है वो वाला पहले से नहीं था, तो उन्होंने कहा कि थोड़े और पैसे देके सीट चेंज हो जाएगी। पर भैया कहते हैं कि उनको ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने ये वाली सीट नहीं चेंज करवाई। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं फिटिंग एकदम बढ़िया हो गई है और एकदम क्लासी और बढ़िया लुक आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड पे भी ट्विटर की प्लेसमेंट की गई है। इसी के साथ अब मैं आपको बूट दिखाता हूँ, और आप एक बार यहाँ पे भी चेक कर लो, ये पूरा इन्होंने करवाया। और इसके साथ आपको पूरा अच्छे से पीछे की साइड से डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो एक बार चेक कर लो भाई अच्छे से, तो एकदम लग रही है क्लासी लुक। अब मैं इसका आपको बूट दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मैं रेयर साइड से दिखाऊं तो नंबर एक तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने नंबर वाला काम करवाया है काफ़ी अच्छा। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्टर जो है वे विदाउट लाइट वाले लगे होते हैं बेस मॉडल के, तो ये लैम्बोर्गिनी वाले इन्होंने लगा दिया और इसमें लाइट जल रही है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया ने ब्रेक मारी हुई और ये लाइट जल रही है। और इसके बाद यहाँ पे ये कोई क्रोम का लगा नहीं हुआ था, तो ये क्रोम हैंडल इन्होंने लगा दिया। इसी के साथ आप यहाँ पे देखिए माइक की ये कैमरा की प्लेसिंग हुई है और प्रॉपर वर्किंग है, बहुत बढ़िया व्यू है। अब मैं इसको आपको बूट दिखाता हूँ, बूट में भी थोड़ा सा करवाया गया है। तो आप यहाँ पे बूट पे देख सकते हैं कि ये सब पुराना रखा हुआ है, ये सब फॉग लैंप्स की जगह पे ये रखा हुआ था। और बूट का ये जो था ये मैटिंग थी ये भी इन्होंने करवाई थी, ये मतलब अलग से ली है। इसी के साथ आप ढंग से चेक कर लो तो भाई ये कापा के ये वाले स्पीकर लगे हैं 60 CSX इन्फिनिटी बाय हारमन। एक बार भाई अच्छे से चेक कर लो, तो आप देख सकते हैं कि बूट में काफ़ी अच्छी एक काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़ा स्पेस लग रहा है, और मतलब लग रहा है कि काफ़ी अच्छा और इन्होंने सही से काम किया है। और इसी के साथ जो है सारी चीज़ें जो है इन्होंने बहुत अच्छे से प्लेस करी हैं। तो भाई लोग ये जो पूरा कार का काम हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक खिंच गया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर भैया ने जो काम किया वो काफ़ी अच्छा किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइटनिंग वगैरह सारी अच्छे से करी है, आगे HIDs वगैरह लगाए, सिर्फ इन्होंने जो है टेल लैंप्स और हेड लैंप्स जो है सेम रखे, पर उनके जो बल्ब है वो चेंज करवा लिए, पीछे की साइड पर सेम रखा और पीछे के साइड पर रिफ्लेक्टर्स है वो लाइट वाले लगा लिए। तो भैया को लग रहा था कि हाँ लैम्बोर्गिनी वाले काफ़ी अच्छे लुक के, तो वो उन्होंने चेंज करवा लिए। साथ में इंटीरियर में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, आप यहाँ पर देख सकते कि टैन कलर का पूरा कराया डैश बोर्ड पे, और उसमें जो स्क्रीन लगाई वो काफ़ी अच्छी है। गियर नॉब को चेंज किया, वो टॉप मॉडल वाली लगा दी, काफ़ी अच्छा था। और इसके साथ साथ जो स्टेयरिंग था, स्टेयरिंग पे कंट्रोल जो दिए हैं भैया ने वो काफ़ी अच्छे दिए हैं, मतलब आपको मैंने जैसे दिखाया मतलब बहुत बढ़िया था, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बेस वेरिएंट वाला है, पर इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें करी हैं। पावर विंडोज़ वगैरह इसमें पहले से ही था, और जो स्पीकर लगे हुए थे पहले के वो भी काफ़ी अच्छे थे, पर अब जो लगाए हैं सोनी के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगाए हैं इन्होंने। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये सब जो भी इनका काम हुआ है ये इसमें भी, जब भी आपको ऐसा कोई काम करवाना हो तो आप पूरा टाइम लेके आए, मतलब आपको मेरे हिसाब से तो 10-12 घंटे आराम से चाहिए, कि मतलब अगर 10 बजे दुकान खुलती है तो आपको पूरा रात के 10 बज जाएंगे। भैया ने बताया कि कई बार तो रात को 1-1 बज जाता है, मतलब इसमें टाइम लगता है पर काम बहुत बढ़िया होता है। अगर आपको ऐसा कोई भी काम करवाना है तो आप थोड़ा टाइम लेके आए, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा पर काम जब फाइनल होगा तो वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम बात करते हैं इस काम के जो पूरी कॉस्ट की है तो 1.5 लाख के आसपास का भैया का बजट चला गया है, तो बजट के हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर फिर भी अगर अलॉयज वगैरह लगवाते तो लगभग 2 लाख तक मेरे हिसाब से तो पहुंच ही जाना था, पर भैया ने कहा कि अभी भैया के पास टाइम नहीं है, तो नहीं तो भैया लगवाते एक दो चीज़ें जो रह गई थी। और पर ये जो मेरे हिसाब से भैया ने अगर बेस वेरिएंट लेके इसमें टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स ऐड करवा लिए तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिसीजन था। भैया बता रहे थे मेरे को कि लगभग 11 लाख की इनको कार पड़ी है, और 11 लाख की कार के साथ इन्होंने दो, तो 11 लाख की कार लेके अगर उसमें 1.5 लाख या 2 लाख 13 लाख तक अगर आप लगा के काफ़ी अच्छा करवा, मतलब
इसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर लेते तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्राइस वर्थी रहे, क्योंकि अगर टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो उसमें एक तो ऑटोमेटिक वाला फीचर होता है, तो वो भैया ने मेरे को बताया कि लगभग 17 लाख तक पड़ रहा था, तो ऑटोमेटिक के अलावा अगर हम देखें तो 13 लाख के आसपास में अगर गाड़ी आपको टॉप वेरियंट होकर मिल रही है, सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। पर हाँ, भैया को मैंने एक चीज़ बोलती, मतलब मेरे आने से पहले भैया ने जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन थी वो सिलेक्ट कर ली थी, पर भैया ने GPS वाली नहीं लगवाई, तो उनका कहना था कि मेरे को ऐसी खास जरूरत नहीं है, अगर वो GPS वाली लगाते तो थोड़ा सा बजट और ज़्यादा हो जाता। पर जिस हिसाब से उनका बजट था और जिस हिसाब से उनका काम हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है जो उन्होंने काम किया, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो काम था वो काफ़ी अच्छा था और प्राइस वर्दी भी था, क्योंकि अगर हम 11 लाख की कार के साथ 2 लाख लगा के और आप काफ़ी अच्छा इंटीरियर वगैरह करवा लेते तो इसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर देते, तो मेरे हिसाब से इनका डिसीजन काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों, ये था आज का इसमें पूरा मॉडिफिकेशन, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस किए गए हैं, ऑलमोस्ट सब चीज़ें इन्होंने लगवाई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।